हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत गर्मी है आज, बहुत सुबह सुबह मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन फिर भी पूरा पसीना पसीना हो जा रही हूँ। मुझे पता नहीं आप लोगों के वहाँ मौसम कैसा है, मुझे कमेंट करके बोलिएगा कि आप लोगों के वहाँ अभी वेदर कैसा चल रहा है। तो मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों को ये पता है कि संडे में आज जब भी मुझे चांस मिलता है मैं नर्सरी चली जाती हूँ। और ये देखिए, कल भी बहुत गर्मी था तो हम लोग लेट लंच के लिए निकले थे। उसके बाद अराउंड 5 o'clock जब थोड़ा धूप लाइक कम हुआ, मैं एज़ यूजल नर्सरी गई, मुझसे रहा नहीं गया। और मेरे दिमाग में था मुझे 2-3 प्लान चाहिए, लेकिन मैं देखिए कितना प्लान लेके चली आई, वो भी ये मौसम में। लेकिन मैं जो प्लान लाई हूँ एक्चुअली इस मौसम के लिए ठीक है, ये लोग सर्वाइव कर जाएंगे। तो फिर ये देखिए मेरा और एक शॉपिंग वीडियो, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन इस वीडियो ये वीडियो थोड़ा लंबा इसीलिए है कि इसमें मैं हर एक प्लान दिखाऊंगी और थोड़ा बहुत उसके बारे में कुछ बोलूंगी, क्योंकि फिर मैं सोचती हूँ कि इसके बारे में बाद में एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ या दूसरा कुछ काम आ जाता है तो मेरे से होता नहीं है। तो ये पहले देखिए, ये बहुत ही एक कॉमन सा प्लांट है और बहुत पॉपुलर प्लांट है, इसको जीजी प्लांट बोलते हैं, जो जेड जेड लिखते हैं लेकिन बोलते हैं हम लोग जीजी। तो ये प्लांट देखिए काफ़ी बड़ा सा एक टब में लगा हुआ है और मैं ऐसे ही मुझे मिल गया नर्सरी में। तो ये लेकिन देखिए लाते वक्त ये लोग ने शाम हो अंधेरा हो गया था जब हम लोग निकले नर्सरी से, तो ये लोग देखिए जब गाड़ी के डिक्की में जब दिए तो अच्छा से नहीं दिया, फिर नो ये उल्ट पलट गया था ये टॉप। तो ये देखिए ऊपर का जो मेन दो ब्रांचेस है ये टूट गया लाते वक्त, इतना सुंदर प्लान था। तो मैं जब इन लोगों को उतार रही थी मुझे इतना दुख हुआ देख के। और इसके पत्ते में देखिए कितना शाइन है, तो ये प्योरली इंडोर प्लांट है और इसको ये बहुत अच्छा एक एयर प्यूरीफायर है। और ये अभी नर्सरी में थोड़ा गंदा होकर पड़ा था, लेकिन ये इसको एक बार अच्छा से मैं नहला दूंगी रिपोर्टिंग के बाद, उसके बाद देखिएगा इस पर कितना शाइन आता है। ये एक प्लांट है जिसको पानी बहुत कम चाहिए, ये पूरा बहुत ही लो लाइट में ग्रो होता है, अगर आपके वहाँ एकदम ही धूप नहीं आता है। ये ऑफिस के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट है। तो और फिर ये बहुत ईजी टू केयर है, बग्स वगैरह कुछ नहीं होता है। मैं देखिए ये जो टूट गया हिस्सा यहाँ से काट दूँगी, फिर ये बहुत इजीली स्टेम कटिंग से लग भी जाता है। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी काट के, वीडियो के लास्ट में। ये दो ये इसमें 4 ब्रांचेस हैं, तो मैं 2 ब्रांचेस जो ऊपर से टूट गया यहाँ से मैं काट दूंगी, फिर देखिए जहाँ से मैं काटूंगी न्यू ब्रांचेस भी निकलेगा, न्यू 2-3 शूट्स। तो ठीक है, पॉजिटिवली देखना चाहिए हम लोगों को सब कुछ। तो मैं ये टूट गया फिर भी पॉजिटिवली देख रही हूँ, क्योंकि मुझे न्यू प्लान मिलेगा, नहीं तो इतना सुंदर सा प्लान मैं कटिंग नहीं करती। और ये देखिए इस पत्ते को जब आप मस लेंगे देखिए कितना शाइन आ रहा है ना। ये बहुत इंडोर जब रहता है बहुत शाइन देता है। ये नर्सरी में एक ग्रीन हाउस में पड़ा हुआ था, तो इसमें अगर धूप आया तो ये जल जाएगा ये प्लांट। अब सर्दी के टाइम में थोड़ा इसको धूप में रख सकते हैं 1.5 घंटा, लेकिन आप भी प्योरली इसको इंडोर रखना पड़ेगा अगर आप लाते हैं तो। और ये नर्सरी में देखिए ऑल दो मुझे रेडी पॉट मिला है, लेकिन मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगी क्योंकि बहुत ही चिकनी मिट्टी में ये लगा हुआ है, बहुत ही हार्ड सॉइल है। और ये ऊपर जो ग्रीन ग्रीन है ये आपको होना नहीं देना चाहिए आपके प्लांट्स को, ये आपका पानी जो एयर सर्कुलेशन अच्छा से नहीं होता है मिट्टी में। नर्सरी वाले क्या करते हैं टॉप में ऐसे जो भी मिट्टी मिला उसी से टॉबिंग करके सेल करना चाहते हैं, क्योंकि टॉब में जब प्लांट आ जाता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है पॉलीबैग से भी। तो मुझे ये जीजी प्लांट 100 रुपीज़ का पड़ा, मुझे जो लगता है काफ़ी सस्ता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं पॉलीबैग में 150 करके लाई थी। फिर ये देखिए ये लेवेंडर का प्लांट है, मेरे क्लाइमेट में लेवेंडर अच्छा से नहीं होता है क्योंकि मेरे यहाँ रेन बहुत होता है, और ये डेजर्ट टाइप का जो एरिड क्लाइमेट है वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हम लोग का जो रेन फॉरेस्ट वाला क्लाइमेट है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पर बहुत बारिश होता है हम लोग का, तो इसमें ये लेवेंडर क्या होता है गल जाता है अगर आपको ज़्यादा बारिश इसको मिला। इसको बहुत धूप चाहिए, पानी बहुत कम चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मेरा एक प्लांट 3 साल रहा, उसके बाद सडनली इस बार जून जब मैं बोल रही थी ना अप्रैल मई में इन सीजन रेन हुआ तो मेरा गल गया। गलने से ये देखिए नीचे का पत्ता थोड़ा काला हो के फिर ये ख़राब हो जाता है प्लांट। तो मैं क्या करूँगी, मेरा जो एरिया है जहाँ पर मैंने एडेडियम्स रखा है कि पूरा धूप आता है लेकिन शेड है ऊपर, बारिश का पानी नहीं गिरता है, उस एरिया में मैं इसको रखूँगी। ये मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है और इसको भी मुझे रिटॉबिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये भी बहुत ही चिकनी और हार्ड सॉइल में लगा हुआ है। हमेशा पॉट का जो भी प्लांट हो बहुत ही पोरस सॉइल हम लोगों को देना चाहिए। और नर्सरी वाला अपने प्रॉफिट के लिए ये लोग जो भी मिट्टी हो सके ये लोग जस्ट टॉप में दे देते हैं, फिर लाइक इसका प्लांट प्राइस का आपका पॉलीबैग में अगर 50 हुआ तो टॉप में ये लोग 150 मांगते हैं, है ना? आप लोगों को भी शायद सेम एक्सपीरियंस है।
तो मुझे ये प्लान भी 100 का पड़ा, तो दो दो 100 100 200 हो गया। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या। हाँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था ना, एक सैकुलेंट मैंने लिया और फिर बोला कि यह आपका सैकुलेंट लेने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन मुझे देखिए ये सैकुलेंट बहुत अच्छा लगा और एक बेबी प्लान भी है इसके साथ। तो मैं ये सैकुलेंट लाई हूँ, ये मुझे पड़ा है 50 रुपीज़ का ईच। तो इसका मैं क्या करूँगी, इस सैकुलेंट को इस सीज़न में मैं रिपॉटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ जो बेबी प्लांट है उसको निकाल के दूसरा एक पॉट में दे दूँगी। तो एंड मेरा जो सैकुलेंट जो नीचे था सैकुलेंट कॉर्नर, उसको मैंने अभी ऊपर अपने सेकंड फ्लोर में एक बरंडा जैसा है नॉर्थ फेसिंग, जिसमें धूप नहीं आता है सिर्फ हवा आता है, वैसा जगह मैंने इसको शिफ्ट कर दिया अपने सारे सैकुलेंट को। क्योंकि फ्रंट में जो सैकुलेंट मेरा था एक केन के जो एक जो था ना सेटअप, उसमें क्या हो रहा है, सुबह का धूप बहुत आ रहा है अपन ईस्ट फेसिंग घर में, तो ख़राब हो रहा था मेरा सैकुलेंट। और ये देखिए, ये भी ये हवार्थिया, मुझे सैकुलेंट का नाम उतना पता नहीं रहता है, ये शायद हवार्थिया फैमिली से है, आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा अगर मैं रॉन्ग हूँ तो। ये भी मुझे बहुत हेल्दी दिखा, ये 40 रुपीज़ का था, जो मुझे काफ़ी रिजनेबल, बहुत ही रिजनेबल लगा, तो मैं लेके आ गई। और फिर इसको भी मैं ये रिटाबिंग नहीं करूँगी, बरसात के बाद ही इसको रिटाबिंग करूँगी। मेरे यहाँ सेप्टेम्बर से आपका मार्च तक सैकुलेंट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, फिर अप्रैल मई तक ठीक ठाक रहता है, लेकिन हम लोग के वहाँ लाइक सीज़न थोड़ा सीज़न थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ जून जुलाई अगस्त बहुत गर्मी होता है, मई तक गर्मी का कोई फीलिंग उतना होता नहीं है, लेकिन अभी हम लोग को रहा नहीं जा रहा, इतना गर्मी हो रहा है। फिर ये देखिए, ये फर्न का एक वैरायटी मैं लाई हूँ, आप लोगों को पता है मुझे फर्न जहाँ भी दिखता है जो भी दिखता है मैं लेके आती हूँ। ये मुझे छोटा सा फर्न 30 रुपीज़ का है, मिला है, इसको मैं अभी पूरा शेड में रखूँगी और इसको एक इसमें हैंगिंग बास्केट में दे दूँगी, लेकिन अभी मैं हैंग नहीं करूँगी क्योंकि जो मेरा हैंगिंग एरिया है अभी, क्योंकि अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो अभी जो हैंगिंग एरिया है वो आपका वहाँ पर पूरा धूप आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे हैंगिंग बास्केट में दूंगी, लेकिन वो हैंगर्स नहीं लगा के ऐसे छांव में रख दूंगी। फिर ये अच्छा से फैल भी जाएगा, फिर बरसात लाइक अराउंड अगस्त के बाद मैं इसको हैंग कर दूंगी। फिर चलिए देखते हैं क्या लाई हूँ मैं। ये देखिए, ये और एक सैकुलेंट लाई हूँ, इसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका पत्ता देख के मुझे पता चला ये सैकुलेंट है। नर्सरी वाले तो इसको कुछ मनी प्लांट वगैरह बोल रहे थे, लेकिन मुझे तो मैंने तो ऐसा मनी प्लांट देखा नहीं। तो ये सैकुलेंट है, लेकिन इसका नाम क्या है, अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा, क्योंकि मैं जब प्लांट लाती हूँ मुझे नाम नहीं पता होने से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नाम पता होने से आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके रख रखाव के बारे में जान सकते हैं ना, तो इसलिए मुझसे जितना भी होता है एक प्लान के बारे में जब मैं बोलती हूँ, शॉपिंग के बारे में भी मैं नाम लाइक यू नो बोलना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी गूगल वगैरह करके आराम से उसके बारे में जान सके। तो ये सब तो है, और भी देखते हैं क्या क्या प्लान मैं लाई हूँ। और मैं बार बार ये जीजी प्लान देख रही हूँ और मुझे टूटा हुआ हिस्सा देख के बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। ये देखिए, हाँ, ये जानाडू का और एक प्लांट मैं लाई हूँ, उस दिन जो लाई थी टॉप में वो आपका ग्रीन डीप ग्रीन था और ये येलो है, दो कलर में आता है जानाडू, तो ये येलोइश है, लाइट कलर है, जो लाइट ग्रीन बोल सकते हैं नर्सरी में, इसको येलो जानाडू बोलते हैं, लेकिन ये लेमन ग्रीन जो होता है वो है, और उस दिन मैं जो लाई थी वो डीप ग्रीन था। तो ये आपका उस दिन मुझे 100 रुपीज़ पड़ा था, क्योंकि वो प्लांट भी थोड़ा बड़ा था और टॉप में था, ये मुझे 40 रुपीज़ का पड़ा है, पॉली बैग में है, ये भी प्योरली इंडोर प्लांट है। और फिर ये देखिए, युक्का का प्लांट लाई हूँ, मेरे पास ये बहुत कॉमन प्लांट है, लेकिन मेरे पास था नहीं युक्का, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा देख के, हेल्दी सा बड़ा सा प्लांट है और ये फुल सन में अच्छा से हो जाता है, तो ये मुझे पड़ा है 100 रुपीज़ का। अरे ये बहुत इजी टू ग्रो एंड इजी टू केयर प्लांट है, तो मैं इसको भी रिटाबिंग करूँगी। लेकिन अभी हम लोग का यहाँ ये माँ कामाख्या का जो कामाख्या का जो टेंपल है वहाँ पर ये अम्बुबुची का जो फेस्टिवल है वो चल रहा है, तो इस फेस्टिवल जब 22 तारीख से शुरू हुआ 26 सुबह ही हम लोगों के यहाँ पर सब मंदिर वगैरह बंद है और कामाख्या मंदिर भी बंद है, तो अभी हम लोग मिट्टी का कुछ काम गुड़ाई वड़ाई नहीं करते, तो आफ्टर 26 मैं सबको पॉटिंग करूँगी, ये हम लोग मानते हैं हर कोई। तो फिर ये देखिए, शफरेल
शफरेला एक लाई हूँ, ये प्योरली ग्रीन शफरेला है। मेरे पास वेरीगेटर है जो मैं दिखाऊंगी अभी। शफरेला मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है। फिर इस प्लांट, ये क्या अगावे है या मुझे पता नहीं है इसका नाम, तो आपको अगर पता है तो बोलिएगा। ये पार्क वगैरह में बहुत कॉमन सा दिखता है, ज़मीन में लगाने से बहुत बड़ा सा हो जाता है ये। मैं इसलिए टॉप में दूंगी, ये ज़मीन पर नहीं दूंगी। ये 40 रुपीज़ का है, बहुत कॉमन है, लेकिन मुझे नाम प्लीज़ बोलिए। मुझे आई एम श्योर कि आपने इसे बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका नाम। तो ये भी आउटडोर हम मैं रख सकती हूँ। फिर ये देखिए, ये एक वेरीगेटेड वर्शन है स्पाइडर प्लांट का। मुझे फोलियज प्लांट, सब पत्ते वाला प्लांट बहुत ही पसंद है मेरे, इसलिए जितने भी शॉपिंग वीडियोज आप देखेंगे इसमें फोलियज प्लांट बहुत दिखेगा आपको। ये बहुत ही लाइक यू नो सॉफ्ट पत्ता है इसका। ये मुझे पूरा प्योरली जो ग्रीन स्पाइडर प्लांट है वो था मेरे पास, ये वेरीगेटेड मैं ढूंढ रही थी, तो ये 40 रुपीज़ का मुझे मिल गया। तो इसको भी मैं 26 के बाद ही, अम्बुबुची का जो फेस्टिवल होगा उसके बाद ही मैं इसको रिटॉपिंग करूँगी। अगर आप में से किसी को अम्बुबुची के बारे में पता नहीं है, कामाख्या टेम्पल के इस फेस्टिवल के बारे में, ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है कामाख्या माता जी का जो मंदिर है उसमें, तो आप प्लीज़ गूगल करके देख लीजिएगा। ये देखिए, ये मुसंडा का प्लांट है, ये 50 रुपीज़ में लाई हूँ। ये सीज़न मुसंडा के लिए बहुत अच्छा है। ये कलर देखिए, ऑरेंज और येलो का मिक्सचर है। मेरे पास सिर्फ ऑरेंज एक है और फिर पिंक, लाइट पिंक, वाइट और रेड है। रेड उस दिन मैं लाई थी, लेकिन मेरे पास ये कलर नहीं था, तो ये कलर मैं लाई हूँ। और इसमें देखिए न्यू ग्रोथ भी हो रहा है प्लांट में। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो भी प्लांट लाइए उसमें नर्सरी से, उसमें न्यू ग्रोथ हो रहा है कि नहीं वो देख के लाइए, तो उससे पता चलता है कि प्लांट डिजीज़ नहीं है आपका। सो ये मुसंडा के बारे में तो इतना ही है। उसके बाद देखिए, ये हम लोग इधर इसको शेफाली बोलते हैं, शेफाली का प्लांट, इसमें वाइट सा फ्लावर आता है। आपके वहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, वाइट सा छोटा छोटा फ्लावर आता है जिसमें बहुत अच्छा स्मेल होता है। सो अगर आपको इसका हिंदी नाम मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा। अगर मुझे पता चला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने के लिए ट्राई करूँगी। सो ये मैं लाई हूँ 50 रुपीज़ में। इसका एक छोटा प्लांट उस दिन भी मैं लाई थी, लेकिन ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, हेल्दी लगा, तो फिर मैं लेके आ गई। मैं कभी कभी प्लांट रिपीट करती हूँ, आप लोगों को तो पता है। फिर ये देखिए, ये फिनिक्स पाम है। और देखिए, सिर्फ मेरे घर में नहीं, नर्सरी में भी, सब जगह अभी इतना वीड्स होता है हम लोगों का, इन सबको हम लोग को रेगुलरली हटा देना चाहिए। ये फिनिक्स पाम मेरे पास एक बड़ा सा पिछले 2-3 सालों से है, लेकिन इस बार गर्मी में वो प्लांट सूख रहा है, अच्छा से चल नहीं रहा है, तो शायद बरसात आने से मैं उसको रिटॉपिंग करूँगी। तो ये मुझे 50 रुपीज़ में और एक मिल गया, तो मैं लेके आ गई। मेरा पहले वाला मैंने 100 में लिया था, लेकिन बड़ा सा प्लांट था। और फिर इसका भी रखरखाव, ये इंडोर भी आराम से चलता है, आउटडोर भी चलता है, लेकिन इसको थोड़ा सुबह का धूप मिलने से अच्छा है। फिर ये देखिए, ये क्रेसुला मेरे पास है, 2 प्लांट, फिर भी मैं और एक लाई हूँ, क्योंकि पहले तो ये मुझे बहुत सस्ता मिला, 40 रुपीज़ का मिला है। और ये बड़ा सा प्लांट है, और इसका देखिए स्टेम कितना मोटा है, कितना मैच्योर है इसका स्टेम। तो और फिर नर्सरी वाले ने इससे कटिंग करके के 2-3 प्लांट बनाया है। देखिए, जहाँ पर कटिंग किया हुआ है वहाँ से न्यू ब्रांचेस भी निकल रहा है, और देखिए रिसेंट कटिंग दिख भी रहा है नीचे, है ना। और ये देखिए, यहाँ से कटिंग किया था और यहाँ से कटिंग किया है, तो जहाँ से किया है वहाँ से एक ब्रांच निकला है और एक निकलेगा। तो मैं भी इसको कटिंग करके 2-3 प्लांट बना लूँगी। और ये देखिए, इसका स्टेम कितना मोटा है ना। तो ये बहुत हेल्दी प्लांट लगा मुझे, तो इसको भी मैं अभी गर्मी में प्योरली इंडोर रखूँगी। आप सर्दी के मौसम में इसको वरांडा वगैरह में थोड़ा 2 घंटे का धूप दे सकते हैं। फिर ये एक प्लांट है, ये टगर का प्लांट है, लेकिन येलो टगर है, और बहुत सुंदर फ्लावर भी है, और स्मेल इसका बहुत सुंदर है। ये देखिए, ऐसा कलर का फ्लावर आता है, इसी में से गिरा है। और इसका एक्चुअली थोड़ा बड़ा एक प्लांट मेरे ज़मीन पे लगा हुआ है, और फिर ये मैं लाई हूँ अपने टॉप के लिए। मुझे वो ज़मीन का प्लांट का खुशबू इतना अच्छा लगा, सो आई थॉट कि ठीक है और एक ले आते हैं, 40 रुपीज़ ही है, चलो सस्ता है, ले के इसको मैं टॉप में दे दूँगी, इसको मैं ज़मीन पे शिफ्ट नहीं करूँगी। तो फिर इसका जो ज़मीन वाला प्लांट है वो भी मैं दिखाऊँगी, और शेफरेला का जो वेरीगेटेड है वो भी मैं दिखाऊँगी। और फिर फ्रेंड्स, इतना ही है आज का शॉपिंग। मुझे लगता है कोई प्लान छूट नहीं गया, क्योंकि कभी कभी मुझे पता चलता है कि मैंने वीडियो बनाया फिर 1-2 प्लान मैंने दिखाया ही नहीं, छूट गया। उस दिन एक पैशन, अपने शॉपिंग में मैंने पैशन फ्लावर का एक ब्लू प्लांट लाई थी, वो मैंने दिखाया ही नहीं, जो कृष्णा कमल है उसका, फिर वीडियो के बाद मैंने देखा, ये तो रह गया।
तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा. मैंने प्राइस जितना हो सके मैंने बोल दिया और रख रखाव थोड़ा बहुत मैंने बोला है. फिर बाद में डिटेल्स जब भी जो भी प्लान एक एक सेपरेट इसके ऊपर बनाऊंगी तब मैं बोलूंगी. आइए चलिए वेरीगेटेड शेफ्रेला एक बार देख लेते हैं. ये वाला है वेरीगेटेड शेफ्रेला. कल मैं जो लाई थी वो ग्रीन है प्योरली और ये देखिए ये ग्रीन एंड येलो में है. ये मैंने थोड़ा छाव थोड़ा धूप ऐसे जगह में रखा है. यहाँ पर मेरा एक डेढ़ घंटे का धूप आता है. देखिए अभी सुबह आ रहा है क्योंकि ये ईस्ट फेसिंग घर है तो ऐसा दिखता है वेरीगेटेड. तो मुझे ग्रीन चाहिए था तो मिल गया. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. मेरे दिमाग में क्या होता है ना कभी कोई प्लान चाहिए तो जब तक नहीं मिलता है मुझे अच्छा नहीं लगता है. सो जब मिल जाता है देन आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है. अभी देखिए हम लोग गार्डन के अंदर घुसेंगे जो काफ़ी अनऑर्गेनाइज हो रखा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हम लोगों का. सो ये देखिए वो जो येल्लो टगर मैंने दिखाया था ये ज़मीन पर लगा हुआ है. ये देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर है इसका है ना. और खुशबू लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसका खुशबू. सो इसीलिए मैं और एक इसका प्लांट लाई हूँ. ये आपका इजीली कटिंग से हो जाता है लेकिन मैं अभी लाइक यू नो मुझे थोड़ा रेडीमेड एक प्लांट दिख गया तो मैंने सोचा चलो अभी बरसात में कटिंग करने से तो अच्छा है लेके आते हैं. और ये फाइकस वगैरह थोड़ा है. फिर अभी यहाँ पर हम लोग लॉन लगाएंगे तो इसीलिए थोड़ा पहले कंस्ट्रक्शन हो जाए उसके बाद टाइल्स वगैरह पार्किंग टाइल्स वगैरह लग जाए उसके बाद यहाँ पर हम लोग पूरा क्लीन करेंगे. इसीलिए अभी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट फ्रेंड्स. ये देखिए गुड़हल ये ज़मीन पे लोकल गुड़हल एक लगा हुआ है. ये और एक लगा हुआ है. और मैंने बोला ना मेरे यहाँ रेन बहुत होता है इसीलिए वीड्स बहुत जंगल सा हो जाता है बहुत ही जल्दी. सो ये और एक लोकल हिबिस्कस इस काल बहुत 6-7 फ्लावर हुआ था. आज आई थिंक 2-3 फ्लावर ही है. ये सब काल का सूखा हुआ फ्लावर है. ये लोकल हिबिस्कस का जो वैरायटी होता है ना हिबिस्कस वो ज़मीन पे देने से बहुत जल्दी बढ़ जाता है. ये शायद मैंने 3 महीना या 4 महीना पहले ज़मीन पे दिया था. एक छोटा सा प्लांट था. अभी देखिए कितना अच्छा से ग्रोथ हो रहा है और लाइक फ्लावरिंग ये रेगुलर बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है. ये इसका कलर है. कितना सुंदर है ना. सुबह सुबह मुझे इन सबको देख के बहुत बहुत मुझे लाइक है ना हैप्पीनेस होता है. एंड आई एम श्योर जो जितने भी गार्डन लवर्स हो सबको ऐसे ही लगता है सुबह अपने गार्डन में लाइक जहाँ पर भी हो बेल्कनी में हो आपका गार्डन टेरेस में हो या नीचे हो ग्राउंड फ्लोर में जहाँ पर भी हो सुबह हम लोग अपने प्लांट्स को जब देखते हैं तो हम लोग को बहुत फ्रेश होता है लगता है. ये टिकोमा का प्लांट है. इसमें अभी एक बार फ्लावरिंग ख़त्म हुआ फिर होगा. और ये देखिए बड़ा सा मेरा सदाबहार का एक ज़मीन पर खुद ही उगाया था खुद ही हो रहा है. फिर ये तुलसी जी का भी बहुत प्लांट है. और ये देखिए कोचिया बहुत सारा था. अभी मेरे जो किटन्स प्ले करते करते बहुत सारे तोड़ भी देते हैं तो और बाकी जो बचा है वो चल रहा है. और फिर ये देखिए एक बार ऐसे दिखा देती हूँ अभी क्योंकि मुझे अभी वो जीजी प्लान जो टूट गया उसका मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगी. ये देखिए पर्सेलन अभी सुबह का 6 बजा है और धूप इतना आ गया कि देखिए पर्सेलन कितना अच्छा सा ब्लूमिंग स्टार्ट हो गया. उस दिन मैं बोली थी ना जितना धूप जल्दी आएगा उसके ऊपर उतना ही ये फ्लावरिंग करेगा. अभी मैं ये जगह खाली आपको इसीलिए दिख रहा है. ये देखिए ये मंकी ने तोड़ दिया क्योंकि अभी इन जगह का मैं साफ़ सफाई करूँगी क्योंकि मेरी जो मेड है वो बाहर का भी नहीं करती है तो अंदर का सब काम करती है साफ़ सफाई. तो बाहर का ये सब प्लांट का हटा हटा के मैं करती हूँ. तो अभी मैं सब क्योंकि पानी देने के बाद क्या होता है आप जितना भी जैसे भी रखें आपका ये सब गंदा होगा ही. तो फिर इन सब का हटा हटा के झाड़ू वाड़ू मारने में मुझे 2 घंटा लग जाता है. सो उसके बाद ही हम लोग बाकी अपना सब काम करते हैं. सो फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ बोलिएगा कमेंट करके कि मेरा शॉपिंग आप लोगों को कैसा लगा. और फिर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं मेरे चैनल को तो. और प्लीज़ शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा ये वीडियो और कमेंट कीजिएगा. आपको जो जिस अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ बात करना है तो मुझे बोलिएगा. मैं एक्चुअली एक हाथ से कर रही हूँ और मेरा ये कटर ख़राब हुआ है तो ये एक लेसन है कि कटर हमेशा जो बाहर नहीं रखना है. मैंने इसको बारिश में रख दिया था इसका ख़राब हो गया ये अभी मुझे नया लेना पड़ेगा. ये देखिए और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो थोड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा था. आई एम सॉरी अबाउट इट. ये देखिए ऐसे कटिंग करके आप नीचे का जो 2 पत्ता है उसको हटा दीजिए. फिर ऐसे ही इसको विदाउट रूटिंग हार्मोन कोई भी लाइक टब में अब मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑलरेडी छाव में रखा हुआ कोई एग्जिस्टिंग टब हो अगर आपका एरिका पाम जैसा कुछ वहाँ पर इसको आप ऐसे जस्ट घुसा दीजिएगा तो इससे इजीली आपका विद इन 1 मंथ एक न्यू प्लांट हो जाएगा. और फिर जो पत्ता है इसको भी हम लोग नहीं फेंकेंगे इससे भी
प्लांट हो जाता है। ये सकुलेंट जैसा पत्ता से होता है ना, ये भी पत्ते से हो जाता है, लेकिन कटिंग से आपका जल्दी होगा, पत्ते से थोड़ा टाइम लगेगा। और एक जो है वो भी हम लोग काट देते हैं, तो फिर इसको भी हम लोग लगा देंगे, और इसके पत्ता भी जो निकलेगा एक्स्ट्रा उसको भी हम लोग लगा देंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग का आइडिया हो गया। ये देखिए मैं एक हाथ से लाइक मेरे पास कैमरा है तो ये नीचे गिर रहा है, आप लोग हंसिए मत। सो देखिए अभी प्लान थोड़ा छोटा हो गया, जो मुझे बहुत दुख लग रहा है। तो इस एरिया में आप फंगीसाइड या नेल पॉलिश, मैं तो नेल पॉलिश लगा दूंगी ताकि इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जहाँ पर मैंने काटा है। फिर ये देखिए काफ़ी लंबा अच्छा ब्रांच है, इसका भी नीचे का मैं 3 पत्ता हटा दूँगी। उसके बाद इसको ऐसे ही तिरछा काट मार के इसको एक मेरा एक एरिका पाम है वरंडा में, जिसमें सिर्फ 1 घंटा का धूप आता है और पानी भी बहुत कम देती हूँ, उधर मैं इसको लगा दूँगी, दबा दूँगी, फिर 1 महीना में ये फ्लावरिंग हो जाएगा। और ये देखिए ये सेपरेट से रखा है मिक्सिंग एंड पेटूनिया, क्योंकि इस प्लांट को मैं सफ़ा कर रही थी वीड्स वगैरह। बाकी फ्रेंड्स ऐसे ही सब कुछ अच्छा से चल रहा है, देखिए सदाबहार में भी अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है, सब ठीक ठाक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू, टेक केयर।